केदारनाथ के अनसुने रहस्य जानकर रह जाएंगे दंग। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ के बारे में कुछ ऐसे अजब गजब फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। केदारनाथ धाम बस एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है, श्रद्धा की फीलिंग, भक्ति की फीलिंग। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बना ये मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस मंदिर के पीछे छुपे हैं कई राज, कई कहानियां जो शायद ही कभी सामने आती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं राज से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे केदारनाथ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हैं आप केदारनाथ के अनसुने रहस्यों की इस कमाल की यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए? केदारनाथ मंदिर एक ऐसा इतिहास जो समय से परे है। कहते हैं कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों को धोने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले थे। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए केदारनाथ में बैल बनकर छुप गए थे। वो भगवान शिव को ढूंढ ही लिया। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पूंछ से पकड़ लिया। भीम के बल के आगे भगवान शिव हार गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। जिस जगह पर भगवान शिव प्रकट हुए थे वहीं आज केदारनाथ मंदिर है। कहते हैं कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो भगवान शिव की पीठ का ही रूप है। सदियों से ये मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। इसे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, वो भी बिना किसी सीमेंट या चूने के। 2013 की त्रासदी, जब प्रकृति ने दिखाया अपना रौद्र रूप। दोस्तों, 2013 में आई उस भयानक बाढ़ को कौन भूल सकता है। उस तबाही ने केदारनाथ को भी तबाह कर दिया था। पूरा इलाका पानी में डूब गया था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। हजारों लोग फंस गए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। केदारनाथ मंदिर को भी बहुत नुकसान हुआ था। मंदिर के आसपास की सारी दुकानें, होटल, सब कुछ पानी में बह गया था। लेकिन दोस्तों, एक चमत्कार भी हुआ। इतनी तबाही के बाद भी केदारनाथ मंदिर का मुख्य हिस्सा सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसने बाढ़ के पानी को रोक लिया। लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार बताया। इस त्रासदी ने यह भी दिखाया कि मुश्किल समय में इंसानियत अभी भी जिंदा है। सेना के जवानों ने, स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की। आज केदारनाथ एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रकृति का स्वर्ग जहां मन होता है तृप्त। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो केदारनाथ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां, झरने, नदियां, सब कुछ इतना सुंदर है कि आप देखते ही रह जाएंगे। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है, एक अलग ही खुशबू है। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करना, शांत वातावरण में भजन सुनना मन को बहुत सुकून देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द दूर हो गए हों। केदारनाथ से थोड़ी ही दूरी पर है चोराबाड़ी ताल, जिसे गौरीकुंड भी कहते हैं। कहते हैं कि देवी पार्वती ने इसी ताल में स्नान किया था। इस ताल का पानी इतना साफ है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। यहां से आप ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं। केदारनाथ से तुंगनाथ मंदिर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में आपको कई झरने, नदियां और बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है दोस्तों, ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब आते हैं, खुद के करीब आते हैं। चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। दोस्तों, हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत महत्व है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इन चार धामों की यात्रा हर हिंदू का सपना होता है। और केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम के पास होने की वजह से इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं। रहस्यों का अंबार, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि रहस्यों का खजाना भी है। यहाँ कई रहस्य छुपे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। पहला रहस्य मंदिर के निर्माण का है। इतनी ऊंचाई पर बिना नई टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा मंदिर कैसे बना, ये आज तक एक रहस्य है। दूसरा रहस्य है 2013 की बाढ़ के बाद मंदिर का सुरक्षित रहना। इतनी भयानक बाढ़ में मंदिर कैसे बचा, कई लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। केदारनाथ आस्था, भक्ति और रहस्यों का संगम। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ के बारे में कुछ अविश्वसनीय फैक्ट्स। एक ऐसी जगह जहां आस्था और भक्ति का मिलन होता है, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। केदारनाथ बस एक जगह नहीं, एक फीलिंग है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको केदारनाथ के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलेंगे दोस्तों
एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।